यहाँ सर हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी पहुँच गए जी, ठीक से सर्च करेंगे। पुलिस तारक, इस वक्त पुलिस यहाँ क्यों आई है? डाइट फूड खिलाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करने आई है शायद। तारक, इस वक्त भी आपको मजाक सूझ रहा है? तो भाई मुझे क्या मालूम, जाके पता करते ना क्यों आई है। चलिए। जी हाँ सर, जैसे ही मुझे कोई खबर मिलती है मैं आपको बता देता हूँ। जी सर, जय महाराष्ट्र। इंस्पेक्टर सर, क्या हुआ इस वक्त आप यहाँ सोसाइटी में? ये गोकुलधाम सोसाइटी है ना? हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने उस लड़की को यहीं आते देखा था? हाँ सर। हमें किसी भी तरह उस लड़की को ढूंढना ही होगा। उस लड़की के बाप का प्रेशर हम पर बहुत बढ़ रहा है। पुलिस? क्या हुआ होगा? पूछेंगे तब तो पता चलेगा। अरे अरे, इतनी रात को सोसाइटी में पुलिस क्यों? हाँ। जेठालाल, क्या किया? किसने? तुमने? ये पुलिस क्यों आई है? बबीता जी। यार क्या बोल रहे हो? मतलब जेठालाल, क्या हुआ है? मुझे क्या पता? जेठालाल, पुलिस क्यों है यहाँ पे? तो मुझे क्या पता? रोशन, इस वक्त पुलिस क्यों आई है? मैनू की पता? तो जेठापरा को पूछता हूँ। ओ जेठापरा, क्यों हो गया, पुलिस क्यों आई है? अरे सब लोग मुझे क्यों पूछ रहे भाई? मुझे क्या पता, मुझे नहीं मालूम भाई। ओ बीड़ू, वो क्या बात है, पुलिस क्यों आई है? नहीं मुझे भी नहीं मालूम भाई, मैंने भी वही पूछा क्यों आई है। अरे अरे भाई, आप लोग आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि पुलिस क्यों आई है, इससे अच्छा आप नीचे आ जाए, हम पुलिस से ही पूछ लेते हैं। हाँ चलो चलो, जल्दी आओ रोशन। पता नहीं क्या हो गया फिर से। क्या हुआ? वो पुलिस हमारे लिए ही आई है। हे भगवान, अब क्या होगा? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारा पति है तुम्हें बचाने के लिए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या हुआ होगा? अरे मुझे क्या पता भाई, सब लोग मुझे ही क्यों पूछ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं, मैं अपने आप को पूछ रही थी। तो तू अपने आप को मन में नहीं पूछ सकती, जोर से पूछना जरूरी है। अरे हाँ हाँ, सॉरी। समझ में नहीं आ रहा आपका ये सोसाइटी का क्या मतलब है? अरे पता चला, मैं बोलने लगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है, इतनी रात को आपको यहाँ आना पड़ा? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, किसी चोर को ढूंढ रहा है? जी नहीं, हमें पक्की खबर मिली है कि इलाहाबाद से भागी हुई लड़की किसी लड़के के साथ शादी करके यहाँ गोकुलधाम में आई है। भाई कौन? बुलबुल बलदेव सिंह। हाँ आप जानते हैं उसे? हाँ? अरे नहीं भाई, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने तो सुबह अखबार में विज्ञापन देखा था गुमशुदा की तलाश में कि ये लड़की घर से भाग गई है। हाँ वो खबर मैंने भी पढ़ी थी, लेकिन उसमें लड़की की फोटो क्लियर नहीं थी। हाँ हाँ, अगर प्रॉपर फोटो छपी होती तो झट से पहचान जाते। हाँ पटेल, आप में से किसी ने भी इस लड़की को देखा है? देखिए, ये है वो लड़की। और से देखिए, किसी ने देखा है इसे? हाँ मैंने देखा है इस लड़की को। कहाँ देखा? टीवी पे। वो सुबह न्यूज में दिखाया था। मैं पूछ रहा था क्या इस सोसाइटी में किसी ने उसे देखा है? नहीं, मैं तो नहीं।
किसी ने नहीं देखा इंस्पेक्टर साहब। और हाँ, मुझे क्या लगता है शायद आपको गलत खबर मिली होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं किसी लड़के के साथ भागी है, और हमारी सोसाइटी में तो शादी के लायक कोई लड़का है ही नहीं। हा? मेहता साहब आप ही कमाल करते हो, वो अपना पोपू है ना। अरे सोडी, इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा, एक लड़का एक लड़की को भगा के लेके आया, एक लड़का, इसमें पोपटलाल कहाँ से आया? हाँ, और यहाँ लड़के तो बस गोली, गोगी, पिंकू और टप्पू ही हैं। हाँ हाँ वो है, पर वो तो बहुत छोटे हैं। ए जेठिया। हाँ बापूजी। क्या हुआ बाबूजी? इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि कोई एक लड़का एक लड़की को भगा के शादी करके गोकुलधाम सोसाइटी में लेके आया है। पोपट भाई, कहीं आपने तो शादी नहीं की है ना? अरे हाँ भाई, आज पूरा दिन तुम गायब थे। हाँ, सोडा शॉप पे भी नहीं आए थे भाई तुम। तो आप लोग कहना क्या चाहते? नहीं नहीं कहना कुछ नहीं चाहते भाई, पूछना चाहते कि लड़की को तुम तो नहीं भगा के लाए ना? जेठालाल भाई कैसी बातें कर रहे हो, अभी तुम ही ने बोला ना कि वो लड़की को भगाने वाला कोई लड़का है, और पोपटलाल कैसे हो सकता है? अरे भाई वो तो मैंने मजाक में बोला था, बाकी सुबह तुम जिस तरह सुबह के सपने की पिपड़ी बजा रहे थे, तो कहीं सुबह का सपना सच करने के लिए। दया भाभी। क्या दया भाभी? क्या दया भाभी? क्या दया, चुप। मैं कहाँ कुछ बोली हूँ, मैं तो मन में भी नहीं बोली। बोलना भी मत। और तू बोल भाई, आज घर पे भी कितना लेट आया, पूरा दिन कहाँ था? अरे भाई मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम ही ऐसा है, लेट हो जाता है। और जेठा पर आज पोपू हमेशा ट्रक के फटे हुए सलेंसर की तरह चलाता रहता है, मेरी शादी करवा दो मेरी शादी करवा दो। तो अगर किसी ने इसके साथ शादी कर ली होती तो ये चुप थोड़ी ना बैठता। भाई जेठालाल, अगर पोपटलाल ने शादी की होती तो पूरी दुनिया को पता चल जाता, इतना खुशी के बारे नाचता चिल्लाता गाता हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। जेठालाल, मैं आदरणीय वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, कोई लड़की भगाने वाला नहीं हूँ। टप्पू के पापा, मुझे पोपट भाई पर पूरा विश्वास है, वो मुझे बिना बताए शादी कर ही नहीं सकते। दया भाभी, आपका विश्वास तोड़ा है मैंने, शादी कर ली, मजबूरी थी। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत खबर मिली है। देखिए, आधी रात को आप लोगों की नींद बिगाड़ने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन कानूनी कार्रवाई है करनी पड़ेगी, वरना अगर मुजरिम को वक्त मिले तो वो भाग सकता है। मुजरिम? अरे इंस्पेक्टर साहब, कोई लड़का लड़की अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ शादी करे, उसमें लड़का मुजरिम कैसे हो गया? देखिए, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि उस लड़का लड़की के बारे में आप लोगों को कुछ भी पता हो तो हमें बता दीजिए। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट, देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते आप सभी मेंबर से पूछता हूँ कि आप में से कोई भी उस लड़का लड़की के बारे में कुछ जानता है? नहीं नहीं भाई, नहीं। देखिए देखिए, एक मिनट एक मिनट, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से आपको बता रहा हूँ कि उस लड़का लड़की के बारे में इनमें से कोई भी कुछ नहीं जानता। वो इलाहाबाद से भागी हुई लड़की यहीं आई है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती इंस्पेक्टर साहब। आपकी आंखों ने नहीं तो आपके कानों ने धोखा खाया होगा। वो लड़की गोकुलधाम की जगह पे कुछ और बोली होगी, सहदेव नकुल धाम या बकुल धाम या ऐसा कुछ बोली होगी भाई। लेकिन मुझे डाउट है, इसलिए सबके घर की तलाशी लेनी होगी। मैं जानता हूँ आप लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन प्लीज कोऑपरेट। अगर पुलिस मेरे घर की तलाशी लेगी तो बुलबुल पकड़ी जाएगी और हम फंस जाएंगे। हे भगवान बचा ले। नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, कानून की मदद करना हम लोगों का फर्ज है। हाँ। आप जहाँ चाहे तलाशी लीजिए प्लीज। हाँ। नहीं ठीक है ठीक है, आप हाँ। अपना शक दूर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले लीजिए तलाशी। हाँ। हमें कुछ छुपाने जैसा है नहीं। थैंक यू पटेल, सब घर चेक करो। ओके पटेल सर। इंस्पेक्टर पटेल,
जी हाँ। होटल पुलिस में क्यों काम पेटलात? इंटरव्यू बाद में, पहले तलाशी। पटेल संभल कर। दादर थोड़ा छोटा छोटा है। आइए हमलदार साहब, आइए। ये हमारा गरीब खाना साहब, जहां चेक करना है चेक कर लीजिए। उधर क्या है? आइए ये बेडरूम है, चेक कर लीजिए। ये मेरी बेटी सोनू है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए। कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं। चलो अंदर तो कोई लड़की नहीं है। नहीं है कोई बात नहीं, दूसरी जगह ढूंढते चलिए। आपको खांसी है? आज जी दो दिन से परेशान हूँ खांसी से। कोई बात नहीं, मैं आपको दवाई दे देता हूँ। कोमल जरा वो खांसी वाला सिरप देना। हाँ अभी लेकर आती हूँ। आंखें दिख रही हैं? ठीक, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे दो तीन दिनों में। टाइम से लेते रहना। सुबह शाम आपकी फीस। स्माइल है? भाई आप पुलिस वाले हैं, आपकी इतनी टेंशन भरी ड्यूटी रहती है, आप एक बार मुस्कुरा दें वही हमारी फीस है। हाँ। उस रूम में तो कोई बच्चा सो रहा है। यहाँ भी कोई लड़की नहीं है, चलो चलते। पर भी कोई लड़की नहीं है। ठीक है सर, टेरेस पे कोई लड़की नहीं है। पटेल सर, उस रूम में तो एक लड़का सोया हुआ है। साहब हम लोग लड़के वाले हैं, लड़की वाले नहीं हैं। है? क्या मतलब? वो जो लड़का सो रहा है ना, वो मेरा बेटा है टप्पू। हमारे घर में मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं है। हाँ। अच्छा अच्छा, अरे सर। हाँ। अंदर लड़की नहीं है। कहाँ चली गई लड़की? अब देखिए, we are sorry, आप लोगों को परेशान किया। चलो चलो। अरे दरवाजा खोलो। सिंधे, कब से कोई दरवाजे नहीं खोल रहा है? कब से? दरवाजे पे तो ताला लगा हुआ है। चल। जी सर, ये लड़की अभी तक मिली नहीं है सर। जैसे ही मिलती मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जय महाराष्ट्र सर। सर, इस विंग में वो लड़की नहीं है। सर, इस विंग के सारे घर देख लिए लेकिन लड़की नहीं मिली, और सिर्फ पत्रकार पोपटलाल का घर बाकी है जहाँ पे ताला लगा हुआ। अरे भाई वो तो बंद ही होकर ना, पोपटलाल खुद यहाँ खड़ा है। पोपटलाल जी। जी कहिए। चलिए अपना घर दिखाइए। अरे मेरा घर देख के क्या करेंगे?
मैं घुमा हूँ, अकेला रहता हूँ। मैं ही आपको बोलने वाला था कि आपके ध्यान में अगर मेरे लिए कोई अच्छी सी कन्या हो तो जरा। Shut up! चलिए घर दिखाइए। ए लिब्बे, घर दिखा देना भाई। हाँ हाँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। ए भोलेनाथ, फंस गया मैं, बुलबुल घर में है, अब क्या करूँ। चलिए। हाँ आइए। पटेल जी सर, नजर रखना। जी सर। चलिए। हाँ जाओ जाओ, सोना आधी रात सब दिन बिगड़ी। आइए खोलिए। क्या हुआ? घर की चाबी नहीं मिल रही है। ओ, फिर तो दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, बहुत खर्चा हो जाएगा। कब से? मिल गई चाबी, मिल गई, यही थी, मिल गई। गुड। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। दरवाजा तो खोलिए। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। सब जगह चेक करो ठीक से। मर गया, फंस गए पोपटलाल। लगता है मेरी शादीशुदा जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। ये भोलेनाथ सुबह के सपने में ये क्यों नहीं दिखाया? सर कोई नहीं मिला। क्या कोई नहीं है? हाँ, मैंने तो पहले ही बोला था अंदर कोई नहीं है, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। साहब साहब, वहाँ पे कोई लड़की नहीं है। वहाँ भी नहीं है? अरे तो कहाँ गई? देखो ज्यादा एक्टिंग मत करो। अरे ये हमें पता होता तो ढूंढ ना लेते। चला। एक्सक्यूज मी। जल्दी। बुलबुल, 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 कहाँ चली गई ये लड़की? अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये बुलबुल कहाँ गायब हो गई? ये लड़की जादूगर है या मिस्टर इंडिया? पोपटलाल के बंद कमरे में से आखिर कैसे गायब हो सकती है बुलबुल? ना पुलिस को मिली, ना पोपटलाल को मिली, और इस तरह से कहाँ एकदम से गायब। दोस्तों मेरे ख्याल से गोकुल धाम की कुंडली में महासंकट का योग चल रहा है। शादी में जिस तरह से एक के बाद एक मेहमान आते हैं ना, वैसे संकट आते जा रहे हैं। अब ये लड़की नहीं मिली तो संकट, पुलिस को पता चल गया तो संकट, कहां गई है अगर ये पता नहीं चला तो संकट, यानी एक के बाद संकट पे संकट पे संकट। लेकिन यहाँ जितने संकट आएंगे आपके घरों में उतनी हंसी होगी। देखना मत भूलिएगा मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। और तब तक हाँ देखिए ना, कहाँ है बुलबुल? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.